बिहार में सियासी घमासान जारी है। महागठबंधन में आपसी तकरार से लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागवती सुर जारी है। तो वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर बीजेपी को लेकर विवादित टिप्पणी की और कहा कि बीजेपी नेता अपनी बेटियों को बचाए, देश को आजाद कराए। पहले ये बीजेपी के लोगों से मैं कहूंगा कि अपनी बेटियों को से पूछो, अपनी बेटियों को बचाओ। आडवाणी जी की लड़की, जोशी सहित कई ऐसे बड़े नेता जो देश स्तर के नेता हैं, उनकी बेटियों की शादी कहाँ हुई है? मुसलमान अपनी बेटियों को पहले बचावें, तब मुसलमानों की बात करें। और राज्य सरकार से मैं करूंगा कि इस तरह के बयान देने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए, केस मुकदमा होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र अपने ही सरकार की मंत्री पर सवाल खड़ा कर दिए। बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने चौथे चरण में गठित महाविद्यालयों के सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों नियुक्ति के मुद्दे को उठाया और महागठबंधन की सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को घेर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हारने के बावजूद सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने से इनकार कर रही है। कोर्ट और रिविजन पिटीशन दाखिल करने पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार शीर्ष अदालत के आदेश को स्वीकार क्यों नहीं कर सकती है, जिसके बाद सवाल पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जवाब में कहा कि उन्हें विभाग के अधिकारियों द्वारा केवल इतना बताया गया था कि शीर्ष अदालत में समीक्षा याचिका दायर की गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इसे स्वीकार किया गया था या नहीं।